नमस्कार, मैं भूपेंद्र पांडा हिंदी चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य के इतिहास के ऊपर जो मेरा लेक्चर सीरीज है, आज यह उसका पांचवा लेक्चर है। हम पढ़ रहे हैं भक्ति काल के बारे में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में जो भक्ति काल है उसको दो भागों में विभाजित किया है, सगुण धारा और निर्गुण धारा। सगुण धारा को उन्होंने पुनः दो भागों में विभाजित किया है, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि तुलसीदास जी हैं और कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं सूरदास जी। इसी प्रकार निर्गुण धारा को उन्होंने पुनः दो भागों में विभाजित किया है, ज्ञानाश्रय शाखा और प्रेमाश्रय शाखा। ज्ञानाश्रय शाखा को हम संत काव्यधारा के नाम से भी जानते हैं और इसके प्रतिनिधि कवि हैं कबीरदास जी। और प्रेमाश्रय शाखा को, प्रेमाश्रय शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है, इन्हें प्रेम मार्गी भी कहा जाता है, मलिक मोहम्मद जायसी है। तो निर्गुण धारा के अंतर्गत जो ज्ञानाश्रय शाखा है संत काव्य धारा, उसके अंतर्गत हम कबीरदास जी का अध्ययन कर चुके हैं, चौथे एपिसोड में आप जाकर देख सकते हैं। और आज जो पांचवा एपिसोड है इसमें हम जो संत काव्य धारा अथवा ज्ञानाश्रय शाखा के जो अन्य महत्वपूर्ण कवि हैं उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। और यदि यह देख लेते हैं तो आपका कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा, ठीक है। तो शुरू से अंत तक आप इसे जरूर देखें, तो जितने भी प्रश्न आएंगे परीक्षा में इनके बीच से ही आपके आ जाएंगे, चाहे कोई भी परीक्षा हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हो, चाहे सीयूईटी का एग्जाम हो, चाहे यूजीसी नेट या जेआरएफ या फिर टीजीटी पीजीटी केंद्रीय विद्यालय नवोदय, जो भी परीक्षा है इन्हीं के बीच से प्रश्न आते हैं। तो चलिए आज हम समझने का प्रयास करते हैं। यहां मैंने रविदास या रविदास जी को दो नंबर इसलिए दिया है क्योंकि कबीरदास जी का हम अध्ययन कर चुके हैं। तो रविदास जी को रविदास भी कहा जाता है और इनका सबसे ज्यादा महत्व इसलिए है क्योंकि इन्हें मीराबाई का गुरु माना जाता है। रैदास या रविदास जी को मीराबाई का गुरु माना जाता है। चलिए देखते हैं। रामानंद जी के 12 शिष्यों में एक रैदास कबीर की भांति काशी निवासी थे। रामानंद जी के 12 शिष्य माने जाते हैं जिनमें कबीर भी शामिल है और ये रैदास भी कहां के निवासी थे, काशी या बनारस के निवासी थे, जहां के कबीरदास जी भी निवासी थे। रैदास का नाम धन्ना और मीरा ने बड़े आदर के साथ लिया है ना, धन्ना और मीरा उनका बहुत आदर करते थे, मीराबाई का इन्हें गुरु माना जाता है। रैदास की भक्ति भी निर्गुण ढांचे की जान पड़ती है, कहीं तो वे अपने भगवान को सब में व्यापक देखते हैं। निर्गुण भक्ति धारा की सबसे निर्गुण धारा की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि वे ईश्वर को सर्वत्र देखते हैं। इनके जो ब्रह्म है, जो ईश्वर है, निर्गुण निराकार है, सर्वव्यापी है। ये भी कहते हैं थावर जंगम कीट पतंगा पूरी रहियो हरि राई, मतलब प्रकृति में सर्वत्र कौन है, ईश्वर सर्वव्यापक है, ब्रह्म सर्वव्यापक है। रैदास जी की जो निर्गुण ढांचा है इस प्रकार उन्होंने उसका निर्माण किया है, ठीक है। इसके बाद कबीरदास जी क्या कहते हैं, और कहीं कबीर की तरह परात्पर की ओर संकेत करके कहते हैं। परात्पर मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ या सर्वोपरि, मतलब जो ब्रह्म है, जो ईश्वर है, वे सर्वोपरि है, सर्वश्रेष्ठ है। गुण निर्गुण कहियत नहीं जाके, वे निर्गुण निराकार है जिनके बारे में हम क्या है उल्लेख नहीं कर सकते, अनिर्वचनीय है, उनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है ना। तो इनके इनके जो ब्रह्म है वह भी सर्वश्रेष्ठ है, परात्पर है कबीर की तरह। रैदास जी का कोई ग्रंथ नहीं मिलता है। फुटकल पदी बाणी के नाम से संत बाणी सीरीज में संग्रहित है। संत बाणी नाम का एक सीरीज निकला किताबों का, उसमें इनके कुछ पद संकलित हैं। 40 पद आदि गुरु ग्रंथ साहब में दिए गए। जो सिखों का जो धार्मिक ग्रंथ है गुरु ग्रंथ साहब, तो उसमें इनके 40 पद संकलित हैं। आदि गुरु ग्रंथ साहब में इनके 40 पद संकलित हैं, मतलब ये बहुत ही महत्वपूर्ण कवि हैं। इतने महान जो धार्मिक ग्रंथ है, सिखों का जो सबसे प्रमुख ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ है, और इसमें इनकी वाणियों का संकलन किया गया है, मतलब आप इनकी महानता का अंदाजा ऐसे ही लगा सकते हैं। इसके बाद धर्मदास जी हैं तीसरे नंबर पे। धर्मदास जी कबीरदास जी के शिष्य हैं। कबीरदास जी के प्रधान शिष्य धर्मदास जी हैं। इन्होंने 1464 ईस्वी में कबीरदास जी के बाणी कबीरदास जी के उपदेशों का संकलन किया है, जिसे कहा जाता है बीजक। और बीजक के तीन भाग हैं, रमणी, शब्द और साखी। बीजक के कितने भाग हैं, तीन भाग, इसका संकलन इन्होंने किया था। बाल्यावस्था में इनके हृदय में भक्ति का अंकुर था और ये साधुओं का सत्संग, दर्शन, पूजा, तीर्थाटन आदि किया करते थे। बचपन से इनकी रुचि धर्म की ओर थी, अध्यात्म की ओर थी, भक्ति की ओर थी, और ये साधुओं का सत्संग करते थे, उनके साथ घूमा करते थे, दर्शन पूजा इत्यादि किया करते थे। कबीर के मुख से मूर्ति पूजा, तीर्थाटन, देवार्चन आदि का खंडन सुनकर इनका झुकाव निर्गुण संत मत की ओर। पहले तो तीर्थ यात्रा करते थे, घूमते रहते थे साधुओं के साथ, लेकिन जब कबीरदास के वचनों को ये सुने, उनकी वाणी, उनके उपदेश को जब इन्होंने सुना, तब इनकी रुचि बदल गई। अब ये निर्गुण पंथ की ओर अग्रसर हुए,
क्योंकि कबीरदास जी उन सब का खंडन करते थे, मूर्ति पूजा का, तीर्थ यात्रा का, देवों की पूजा का, देवी देवताओं का वो खंडन करते थे, है ना, मतलब मूर्ति पूजा का विरोध करते थे। तो इसका जब इन्होंने सुना तो ये निर्गुण पंथ के इनका झुकाव हो गया। अंत में कबीर से सत्य नाम की दीक्षा लेकर उनके प्रधान शिष्यों में हो गए, मतलब कबीर दास जी से इन्होंने दीक्षा ली और ये उनके प्रधान शिष्य हो गए। कबीर दास के शिष्य होने पर इन्होंने अपनी सारी संपत्ति जो बहुत अधिक थी लुटा दी। ये कबीर दास की गद्दी पर 20 वर्ष के लगभग रहे, ये बहुत अमीर थे, लेकिन जब ये कबीर दास जी के शिष्य हो गए तो अपनी सारी संपत्ति दान कर दिया इन्होंने। और गद्दी मतलब जो मठ जैसा होता है, जो कबीर पंथ में इसे मठ गद्दी कहा जाता है, जैसे मठ होते हैं अन्य संप्रदायों के, तो ये उसकी गद्दी पर लगभग 20 वर्ष तक विराजमान रहे कबीर दास जी की गद्दी पर। धर्मदास की शब्दावली का भी संतों में बड़ा आदर है, बहुत ही आदर से इनका स्मरण किया जाता है। धर्मदास की रचना थोड़ी होने पर भी कबीर की अपेक्षा अधिक सरल भाव लिए हुए है, उसमें कठोरता और कर्कशता नहीं है। इन्होंने पूर्वी भाषा का ही व्यवहार किया है, कबीरदास जी की भांति इन्होंने पूर्वी भाषा का ही व्यवहार किया है। कबीरदास जी की भाषा को सधुकड़ी भाषा कहा जाता था या फिर पंचमेल खिचड़ी कहा जाता था। तो धर्मदास जी की जो भाषा है वह थोड़ा सरल है और इनका जो बात को कहने का भी तरीका है, जो इनके उपदेश है, उसमें कठोरता या कर्कशता नहीं है। कबीर दास जी जिस प्रकार झाड़ फटकार लगाते हैं हिंदू और मुसलमानों दोनों को, और बहुत ही सख्ती से मतलब अपनी बात कहते हैं, कठोरता से अपनी बात कहते हैं, उसकी तुलना में धर्मदास जी की जो भाषा है सहज और सरल, विनम्र और संयत भाषा है। तो इन्होंने मधुर भाषा का प्रयोग किया, पूर्वी भाषा का प्रयोग इन्होंने भी किया है। इनकी धर्मदास के अन्योक्तियों के व्यंजक चित्र अधिक मार्मिक है, क्योंकि इन्होंने खंडन मंडन से विशेष प्रयोजन न रखकर प्रेम तत्व को लेकर अपनी वाणी का प्रसार किया है। जैसा कबीर दास जी खंडन मंडन किया करते थे हिंदू और मुसलमानों के, जो बाह्य आडंबर थे, मूर्ति पूजा थे और विभिन्न प्रकार के जो कर्म कांड प्रचलित थे, उसका कबीर दास जी विरोध करते थे। खंडन मंडन की प्रवृत्ति उनमें ज्यादा विद्यमान थी। लेकिन धर्मदास जी की जो अन्योक्ति है, जो इनके अलंकार है, अन्योक्ति अलंकार, इसके मतलब इसमें उन्होंने खंडन मंडन नहीं किया है, बल्कि जो प्रेम तत्व होता है, जो प्रेम की भावना होती है, उसको लेकर अपनी वाणी का प्रसार किया है, जिसको हम भारतीय काव्य शास्त्र में हम जिसे कांता संहित उपदेश कहते हैं। बहुत प्यार से किसी को समझा देना, किसी को बहुत ही प्रेम से उपदेश दे देना कि बात उसका समझ में भी आ जाए और बुरा भी न लगे। इसके बाद गुरु नानक देव जी आते हैं। गुरु नानक जी का जन्म संवत 1526 कार्तिकी पूर्णिमा के दिन तिलवंडी ग्राम जिला लाहौर में हुआ था। इनका जन्म हुआ था पाकिस्तान के लाहौर में तिलवंडी नामक ग्राम में। इनके पिता कालूचंद खत्री ने इन्हें व्यवसाय में लगाने का बहुत उद्योग किया, पर यह सांसारिक व्यवहारों में दत्तचित न हुए। इनके पिताजी का नाम था कालूचंद खत्री। दुनियादारी के कामों में इनका लगाना चाहते थे कि ये व्यवसाय कर लो, ये कर लो करके बहुत ध्यान रखते थे कि आप ये व्यवसाय कर लो, वो कर लो, लेकिन इनका ध्यान सांसारिक चीजों में नहीं लगा। एक बार इनके पिता ने इन्हें व्यवसाय के लिए कुछ धन दिया, जिसको उन्होंने साधुओं और गरीबों में बांट दिया। एक बार इनके पिता कालूचंद खत्री इनको कुछ पैसा दिया कि बेटा जा कोई व्यवसाय कर लेना, तो इन्होंने क्या किया, कोई व्यवसाय नहीं चालू किया, कोई बिजनेस चालू नहीं किया, बल्कि उस पैसे को साधुओं और गरीबों में बांट दिया। और इनकी माता का नाम तृप्ता था। परीक्षा में ऐसा पूछे जाने वाले प्रश्न है, इनके माता पिता का क्या नाम था, तो इनकी माता का नाम क्या था, तृप्ता था। वर्तमान समय में जो ट्रेंड चल रहा है परीक्षाओं का, तो कोई प्रश्न कहीं से भी आ सकते हैं, इसलिए आपको सभी चीजों को ध्यान से समझना है। ये तो कहानी टाइप का है, सुनते जाइए आपको याद हो जाएगा। खासकर आप मेरे लेक्चर यदि आप सुनते हैं, इसके बाद आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ेंगे, तो सारी बातें समझ में आ जाएगी। और जो ऑडियो विजुअल का जो इफेक्ट रहता है आपके दिमाग में, वो बहुत ज्यादा रहता है। मेरे स्क्रीन को भी देख रहे हैं, मेरी बातों को भी सुन रहे हैं आप, मतलब, और जब आप किताबों को पढ़ेंगे, मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल के हिंदी साहित्य का किताब पढ़ेंगे, बहुत आसानी से समझ जाएंगे, बातें आपको याद रहेंगी, परीक्षा में जो ऑब्जेक्टिव टाइप वाले क्वेश्चन आते हैं बहुत ही आसानी से आपके बन जाएंगे। गुरु नानक देव क्या थे, आरंभ से ही भक्त थे, अतः उनका ऐसे मत की ओर आकर्षित होना स्वाभाविक था जिसकी उपासना का स्वरूप हिंदू और मुसलमानों दोनों को समान रूप से ग्राह्य हो। वे बाल्यावस्था से ही साधु स्वभाव के थे। जो निर्गुण धारा है उसका प्रभाव हिंदू और मुसलमानों दोनों पर बराबर पड़ा, क्योंकि इसमें सूफी संत भी शामिल थे, तो इसी के कारण ये तो शुरू से भक्त थे। तो निर्गुण भक्ति धारा ने इनको इसीलिए ज्यादा प्रभावित किया, क्योंकि जो निर्गुण धारा का जो प्रभाव था हिंदू और मुसलमानों दोनों में बराबर था, और ये बचपन से साधु स्वभाव के थे। कबीरदास जी का देखिए, उस समय जितने भी हुए हैं महान आत्मा, उनके ऊपर कबीरदास जी का प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ा है। तो कबीरदास जी की निर्गुण उपासना का प्रचार इन्होंने पंजाब से आरंभ किया और वे सिख संप्रदाय के आदि गुरु हुए। कबीरदास जी के जो उपदेश हैं, जो निर्गुण उपासना के जो सिद्धांत हैं, इसका प्रचार इन्होंने पंजाब में किया और ये सिख संप्रदाय के आदि गुरु माने जाते हैं।
कबीरदास के समान गुरु नानक भी कुछ विशेष पढ़े लिखे न थे। भक्ति भाव से पूर्ण होकर वे जो भजन गाया करते थे उनका संग्रह संवत 1661 में ग्रंथ साहब में किया गया। ग्रंथ साहब मतलब गुरु ग्रंथ साहब, जो सिखों का सबसे महान धार्मिक ग्रंथ है। तो ये भी कबीरदास जी तो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, कागज और कलम को उन्होंने हाथ भी नहीं लगाया था। इसी प्रकार गुरु नानक देव भी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन भक्ति भाव से पूर्ण होकर जब वो भजन गाते थे उन्हीं भजनों का संकलन किया गया है गुरु ग्रंथ साहब में संवत 1661 में। इनके भक्त या विनय के सीधे साधे भाव सीधी साधी सादी भाषा में कहे गए हैं, कबीर के समान अशिक्षितों पर प्रभाव डालने के लिए टेढ़े मेढ़े रूपकों में नहीं। कबीरदास जी क्या करते थे, उलट बांसियों का प्रयोग करते थे, इधर उधर के रूपक का प्रयोग करते थे, ऐसे अलंकारों का प्रयोग करते थे कि आम जनता चकित रह जाती थी। तो इस तरह की भाषा का इन्होंने प्रयोग नहीं किया है, बहुत ही सहज सरल और संयत भाषा में इन्होंने अपना उपदेश दिया है। इससे इनकी प्रकृति की सरलता और अहम भाव शून्यता का परिचय मिलता है। इससे पता चलता है कि बहुत ही सहज सरल प्रकृति के व्यक्ति थे, बहुत महान व्यक्ति थे और इनमें घमंड बिल्कुल भी नहीं था, अहम बिल्कुल नहीं था, ईगो बिल्कुल भी नहीं था। इसका इससे परिचय मिलता है इनकी भाषा से। अब अगले संत हैं दादू दयाल। यद्यपि सिद्धांत की दृष्टि से दादू कबीर के मार्ग के ही अनुयायी हैं, पर उन्होंने अपना एक अलग पंथ चलाया जो दादू पंथ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कबीरदास जी के अनुयायी जरूर हैं, लेकिन इसके बावजूद भी इन्होंने अपना एक नया रास्ता बनाया, एक नया पंथ बनाया और इस पंथ को बोला जाता है दादू पंथ। लेकिन अनुयायी कबीर के ही हैं, लेकिन इन्होंने अपना एक अलग पंथ चलाया। जैसे कबीर पंथ होता है वैसे इन्होंने दादू पंथ चलाया। कबीर का इनकी वाणी में बहुत जगह नाम आया है और इसमें कोई संदेह नहीं कि ये उन्हीं के मतानुयायी थे। तो इनकी जो वाणी है, जैसे कबीर की वाणी है, वैसे दादू दयाल जी की जो वाणी है उसमें बहुत जगह कबीर का नाम आया है। और इससे हमको पता चलता है, क्षमा चाहता हूं, कि ये कबीरदास जी के ही मतों के अनुयायी थे। दादू की वाणी अधिकतर कबीर की साखी से मिलते जुलते दोहों में है, कहीं कहीं गाने के पद भी हैं। भाषा मिली जुली पश्चिमी हिंदी है जिसमें राजस्थानी का मेल भी है। जैसे उनकी जो साखी है ना, कबीरदास की जो साखी है वह दोहों में है, वैसे ही दादू की वाणी भी कबीर की साखी से मिलती जुलती है और इन्होंने कहीं कहीं गाने के पद भी गाए हैं। तो कबीरदास हुए जो भी निर्गुण धारा के जो भी कवि थे, उन्होंने जो पद है वो गाने के लिए है। पद जो होते हैं भजन होते हैं या फिर गाने के लिए होते हैं, वैसे इन्होंने कहीं कहीं गाने के पद भी लिखे हैं। लेकिन कबीरदास जी की भाषा क्या थी, सधुकड़ी भाषा थी, या फिर वो थी क्या बोलते हैं पंचमेल खिचड़ी भाषा कहा जाता है, जिसमें पूर्वी राजस्थानी और पंजाबी इत्यादि भाषाओं का मेल होता है। लेकिन दादू जी की वाणी, इनका जो इनकी जो भाषा है वह क्या है, पश्चिमी हिंदी है। इनकी पूर्वी हिंदी नहीं है, पश्चिमी हिंदी है जिसमें राजस्थानी का भी मेल है। दादू दयाल जी ने कुछ पद गुजराती राजस्थानी और पंजाबी में भी कहे हैं। कबीर के समान पूर्वी हिंदी का व्यवहार इन्होंने नहीं किया है। जिस तरह कबीरदास जी पूर्वी हिंदी का व्यवहार करते थे तो ये पश्चिमी हिंदी का व्यवहार करते थे। लेकिन इनके कुछ पद गुजराती भाषा में भी है, राजस्थानी में भी है और पंजाबी में भी है। इनकी रचना में अरबी फारसी के शब्द अधिक आए हैं और प्रेम तत्व की व्यंजना अधिक है। घर के भीतर के रहस्य दर्शन की प्रवृत्ति इनमें बहुत कम है। तो समझो सूफी काव्यधारा में जो चलता था, अरबी फारसी के शब्द बहुत आते थे सूफी काव्यधारा में, कोई अधिकांश मुसलमान कवि थे इसी और उनमें प्रेम तत्व पाया जाता था। लेकिन जो सूफी जो कवि थे, जो प्रेम मार्गी कवि थे, वो क्या थे, रहस्यवादी थे। लेकिन दादू दयाल में भले ही अरबी फारसी के शब्द आए हैं और प्रेम तत्व की व्यंजना भी इन्होंने की है, प्रेम तत्व भरपूर है लेकिन इनमें रहस्यवाद नहीं है। दादू की वाणी में यद्यपि उक्तियों का वह चमत्कार नहीं है जो कबीर की वाणी में मिलता है, पर प्रेम भाव का निरूपण अधिक सरस और गंभीर है। तो कबीरदास जी क्या है, विचित्र विचित्र उक्तियों का प्रयोग करते थे, उलट बांसियों का प्रयोग करते थे, ऐसी बातों का प्रयोग करते थे कि जनता आश्चर्यचकित रह जाती थी उसको सुनकर। तो दादू की वाणी में यह सब तत्व नहीं पाए जाते, लेकिन इन्होंने प्रेम तत्व का जो निरूपण किया है, कबीरदास जी ने भी प्रेम तत्व का निरूपण किया है, लेकिन इन्होंने भी प्रेम तत्व का निरूपण किया है, मतलब ईश्वर के प्रति निर्गुण, जो निर्गुण निराकार ब्रह्म के प्रति इन्होंने प्रेम की अभिव्यक्ति की है और वह अधिक सरस और गंभीर है, रुचिकर है। कबीर के समान खंडन और वाद विवाद में इन्हें रुचि नहीं थी। कबीरदास जी खंडन मंडन का प्रयास करते थे, समाज में जो बाह्य आडंबर है, कुरुतियां हैं, उनका खंडन मंडन किया करते थे, उनको हिंदू और मुसलमानों दोनों का फटकार लगाया करते थे। इस तरह की प्रवृत्ति इनमें नहीं है। इनकी वाणी में भी वही प्रसंग है जो निर्गुण मार्गियों की वाणियों में साधारणता आया करते हैं। ये वाणियां इन्होंने जो दोहे में लिखी है उनमें निर्गुण भक्ति धारा के सभी गुण पाए जाते हैं, जो कि निर्गुण धारा के अन्य कवियों की वाणी में जो तत्व पाए जाते हैं वे दादू दयाल की वाणी में भी पाए जाते हैं। वो कौन कौन से तत्व हैं निर्गुण मार्गियों के, जैसे ईश्वर की व्यापकता, जो ईश्वर है वह सर्वव्यापक है, भले ही वह निर्गुण निराकार है दिखाई नहीं देता,
अदृश्य है, अगोचर है, लेकिन वह सर्वत्र व्याप्त है। सदगुरु की महिमा, मतलब निर्गुण भक्ति धारा में गुरु को सर्वाधिक महत्व प्रदान किया गया है। गुरु के बिना न तो ज्ञान प्राप्त हो सकता और न ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती। जाति पाति का निराकरण, अधिकांश निर्गुण धारा के जो कवि हैं वे नीची जाति के आते, समाज के नीची जाति के थे, है ना। आम जन मतलब जो छोटे तबके के जो माने जाते हैं समाज में, तो अधिकांश जो निर्गुण धारा के कवि हैं उसी समाज से आते थे। तो इसे इन्होंने जाति पाति का निराकरण किया, मतलब छुआछूत और जाति पाति की जो भावना थी उसका सभी निर्गुण धारा के कवियों ने विरोध किया है। हिंदू मुसलमानों का अभेद, उन्होंने हिंदू और मुसलमान दोनों को एक जैसा माना है, उनमें भेद नहीं किया है। हिंदू और मुसलमानों में इन्होंने भेद नहीं किया है, दोनों को एक जैसा माना है। राम रहीम की एकता का प्रतिपादन इन्होंने किया है, और इनका जो इनका कहना था कि ईश्वर सिर्फ एक है ना, जैसे खुदा जैसे एक है सबसे बड़ा है, वैसे ही ईश्वर सिर्फ एक है और सबसे बड़ा ईश्वर है और एक है। तो राम और रहीम की एकता का प्रतिपादन किया इन्होंने, हिंदू मुस्लिम की एकता का प्रतिपादन किया है। संसार की अनित्यता, यह संसार जो है नश्वर है, संसार अनित्य है, जो एक दिन समाप्त हो जाएगा, टेम्परेरी है। और आत्मबोध, आत्मबोध मतलब खुद का ज्ञान, सेल्फ रियलाइजेशन, अपने बारे में जानना, इन सब का इन्होंने अपनी वाणियों में प्रवर्तन किया है, प्रचार किया है। एक अन्य कवि है सुंदरदास जी, इनका डील डोल बहुत अच्छा, रंग गोरा रूप बहुत सुंदर था, मतलब अपने टाइम के बहुत ही हैंडसम थे। ये निर्गुण भक्ति धारा के कवि थे लेकिन बहुत हैंडसम थे। स्वभाव अत्यंत कोमल और मृदु था, जितने हैंडसम थे उतने ही अच्छे इनका व्यवहार भी था। वे ये बाल ब्रह्मचारी थे और स्त्री की चर्चा से सदा दूर रहते थे। इतना सुंदर होने के बावजूद भी वे स्त्रियों के प्रति इनमें कोई वो नहीं था, और बाल ब्रह्मचारी थे क्योंकि, तो स्त्रियों की चर्चा से सदा दूर रहते थे। तो जैसे स्वामी विवेकानंद जी भी बहुत ज्यादा हैंडसम थे, आपको पता है स्वामी विवेकानंद, क्योंकि जब वो अमेरिका गए थे विश्व धर्म संसद में भाग लेने के लिए, तो बहुत ही सबसे हैंडसम सन्यासी थे वहां पर। और इसके बाद निर्गुण पंथियों में यही एक ऐसे व्यक्ति हुए जिन्हें समुचित शिक्षा मिली थी और जो काव्य कला की रीति आदि से अच्छी तरह परिचित थे, अतः इनकी रचना साहित्यिक और सरस है। तो ये सारे स्टेटमेंट आते हैं कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसके बारे में लिखा है, इसलिए ये सारे स्टेटमेंट जो मैं बता रहा हूं ये बहुत ही महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। ये एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे निर्गुण भक्ति धारा में जो हाईली क्वालिफाइड थे, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे, इनको औपचारिक शिक्षा मिली हुई थी, और इसलिए जो भारतीय काव्य शास्त्र की जो परंपरा है, रस छंद अलंकार रीति इत्यादि का इन्हें भली भांति ज्ञान था। इसीलिए इनकी जो रचना है यह बहुत ही साहित्यिक है, मतलब जो लिटरेचर में जो होना चाहिए, उदात्त है, सर्वश्रेष्ठ है और सरस है। सुंदरदास की जो भाषा भी काव्य की मंजी हुई ब्रज भाषा है। तो उस समय जो काव्य की भाषा थी क्या थी, ब्रज भाषा थी, और ब्रज भाषा में बहुत ही बेहतरीन इन्होंने लिखी है। इनकी भाषा बिल्कुल परिनिश्चित और शुद्ध ब्रज भाषा है। भक्ति और ज्ञान चर्चा के अतिरिक्त नीति और देशाचार आदि पर भी सुंदरदास ने बड़े सुंदर पद कहे हैं। पद मतलब जिसको गाया जा सकता है भजन के रूप में। तो भक्ति और ज्ञान की चर्चा तो इन्होंने की है अपने पदों में, इसके साथ ही साथ जो नीति है, जो मोरल वैल्यूज हैं, जो नैतिकता का जो विकास करते हैं समाज में, और देशाचार, यहां वहां घूमने से पर्यटन से जो शिक्षा मिलती है उसके संबंध में भी इन्होंने सुंदर पद कहे हैं। तो क्योंकि बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे, जो घूमते भी रहते थे, निर्गुण धारा के कवि थे, घूमते भी रहते थे, तो मतलब जो नैतिक रूप से जो बातें समाज को उपदेश देने योग्य है उसका भी ये अपने पदों में वर्णन करते थे। और संतों ने केवल गाने के पद और दोहे कहे हैं, पर इन्होंने सिद्धस्थ कवियों के समान बहुत से कवित्व सवय रचे, क्योंकि इनको छंद शास्त्र की जानकारी थी, रस छंद अलंकार और रीति इत्यादि से परिचित थे। इसलिए जहां बाकी संतों ने केवल गाने के लिए पद और दोहे की रचना की, लेकिन इन्होंने क्या किया, बहुत सारे कवित्व और सवय भी इन्होंने लिखा था। यह तो छोटे मोटे इनके अनेक ग्रंथ है, पर सुंदर विलास सबसे अधिक प्रसिद्ध है। तो सुंदरदास की सबसे प्रमुख कृति है सुंदर विलास, जिसमें कवित्व और सवय ही अधिक है। इन कवित्व सवयों में यमक, अनुप्रास और अर्थालंकार आदि की योजना बराबर मिलती है। तो इन्होंने जो कवित्व और सवय लिखा है उसमें विभिन्न अलंकारों का प्रयोग किया है, जैसे यमक अलंकार, अनुप्रास अलंकार और अर्थालंकार। इनकी रचना काव्य पद्धति के अनुसार होने के कारण और संतों की रचना से भिन्न दिखाई पड़ती है। तो चूंकि ये बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे और इनको रीति छंद शास्त्र अलंकार सबका ज्ञान था, इसलिए इनकी जो रचना है वह क्या है, बाकी संतों से भिन्न दिखाई पड़ती है। संत तो ये थे ही पर कवि भी थे, निर्गुण धारा के संत तो थे ही ज्ञानश्री शाखा के, लेकिन ये कवि भी थे। इससे समाज की रीति नीति पर इनकी, मतलब सुंदरदास जी की, बड़ी विनोदपूर्ण उक्तियां हैं। मतलब जो विभिन्न भाषा भाषी जो लोग थे उनके ऊपर उन्होंने बहुत ही सुंदर कटाक्ष किया हुआ है, जो उस भाषा भाषी वही लोग समझ पाएंगे, हालांकि मैंने यहां पर इसको नोट कर लिया है। जैसे गुजरात पर इन्होंने क्या लिखा है, जो गुजराती समझ पाएंगे इसको,
आभड़ छीत अतीत सो होत बिलार और कुकर चाटत हांडी। और मारवाड़ पर इन्होंने क्या लिखा है, वृक्ष न निरन उत्तम चीर सुदेशन में गत देश है मारू। और दक्षिण पर क्या लिखा है इन्होंने, रांधत प्याज बिगारत नाज न आवत लाज कर सब भक्षण। पूरब देश के लिए क्या लिखा इन्होंने, ब्राह्मण क्षत्रिय वैसरु सुदर चारोड़ वर्ण के मच्छ बघारत। तो ये तो अलग अलग भाषाओं में इन्होंने लिखा है, मतलब कुछ कुटिल व्यंग्यपूर्ण उक्तियां इन्होंने लिखी है। व्यर्थ की तुकबंदी और उपडांग वाली इनको रुचि करना थी, मतलब उल्टा पुलटा बात बोलना, उलट बांसियों का प्रयोग करना, लोगों को चमत्कृत करना अपनी बातों से, ऐसे ही तुकबंदी करना, ऐसी बातें इनको पसंद नहीं थी। सुशिक्षा द्वारा विस्तृत दृष्टि प्राप्त होने पर प्राप्त होने से इन्होंने और निर्गुणवादियों के समान लोक धर्म की उपेक्षा नहीं की, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे और साहित्यकार थे, कवि भी थे। तो ये जो समाज के जो लोक धर्म होता है, समाज की राजनीतिक धार्मिक आर्थिक सामाजिक जो परिस्थितियां होती हैं, जो परंपराएं होती हैं, उसका इन्होंने उसकी उपेक्षा नहीं किया, बल्कि उसको अपने साहित्य में शामिल किया, क्योंकि साहित्य समाज का दर्पण होता है, सामाजिक परिस्थितियां ही साहित्य में परिलक्षित होती हैं। तो इन्होंने क्या किया, समाज में जो जिस तरह का लोकाचार लोक धर्म प्रचलित था उसका उन्होंने उपेक्षा नहीं किया था। पतिव्रत का पालन करने वाली स्त्रियों और रण क्षेत्र में कठिन कर्तव्य का पालन करने वाले शूरवीरों आदि के प्रति इनके विशाल हृदय में सम्मान के लिए पूरी जगह थी। मतलब जो महिलाएं अपने पति के लिए पूरी तरह से डेडिकेटेड होती हैं, समर्पित होती हैं, पतिव्रत धर्म का पालन करती हैं, उनका इन्होंने बहुत ज्यादा सम्मान किया है। और जो देश के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देने वाले जो अमर शहीद होते हैं, वीर होते हैं, उनके लिए इनके हृदय में पूरा सम्मान था, जिसका इन्होंने अपने साहित्य में वर्णन किया था। इन्होंने जो सृष्टि तत्व आदि कहे हैं वे भी औरों के समान मनमाने और उत्पटांग नहीं है, शास्त्र के अनुकूल है। मतलब इस संसार के बारे में, सृष्टि के बारे में, इस दृष्टिगोचर जगत के बारे में इन्होंने जो बातें कही है वे भी उत्पटांग नहीं है, मनमाना कुछ भी नहीं कह दिया है, बल्कि जो शास्त्रों के अनुकूल है, जो हमारे प्राचीन जो शास्त्र वगैरह हैं, जो हमारे उपनिषद वगैरह हैं, उसके अनुकूल हैं, वैसा ही बात इन्होंने कहा है। मतलब क्योंकि पढ़े लिखे थे ये। और सातवां मलुकदास जी तो बहुत ही फेमस है, इनका तो प्रश्न ये प्राय परीक्षा में आने वाला है, आता ही है। आलसियों का जो ये मूल मंत्र है, प्राय पूछा जाता है, ऊपर वाला लाइन दे दिया जाता है, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, किसकी पंक्तियां हैं। तो ये मलुकदास जी जो आलसी लोग है ना, आलसी लोग क्या बोलते हैं, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, दास मलुका कही गए सबको दाता राम। तो देखिए ये आलसी लोग यही बात बोलते हैं कि हमको कुछ करने की जरूरत नहीं है, भगवान ने हमको दुनिया में भेजा तो सारा व्यवस्था भी वही करेगा, ठीक है। इनकी दो पुस्तकें अधिक प्रसिद्ध हैं, रत्नखान और ज्ञानबोध। मलुकदास जी की दो पुस्तकें बहुत ही प्रसिद्ध हैं, रत्नखान और ज्ञानबोध। हिंदू और मुसलमानों दोनों को उपदेश देने में प्रवृत्त होने के कारण दूसरे निर्गुण मार्गी संतों के समान इनकी भाषा में भी फारसी और अरबी भाषा के अरबी शब्दों का प्रयोग हुआ है, क्योंकि जो निर्गुण धारा था उसका मुसलमानों और हिंदुओं दोनों पर बराबर प्रभाव था। तो इसीलिए इन्होंने जो लिखा, इनकी भाषा में अरबी और फारसी दोनों के शब्दों का प्रयोग मिलता है, जैसे कि हमको अन्य निर्गुण मार्गी संतों के काव्य में दिखाई देता है। बोलचाल की खड़ी बोली का पुट इन सब संतों की वाणी में एक सा पाया जाता है। इन्होंने खड़ी बोली का प्रयोग करते थे, बोलचाल की जो खड़ी बोली है। तो जितने भी निर्गुण मार्गी संत हैं उनकी वाणियों में जो बोलचाल की खड़ी बोली का स्वरूप जो पाया जाता है वह मलुकदास जी में भी पाया जाता है। इन सब लक्षणों के होते हुए भी इनकी भाषा सुव्यवस्थित और सुंदर है, कहीं कहीं अच्छे कवियों का सा पदविन्यास और कविता आदि छंद भी पाए जाते हैं। तो कहीं कहीं इन्होंने बहुत ही सुंदर शब्दों का प्रयोग किया है, शब्दों का जो समायोजन किया है, शब्दों की जो व्यवस्था की है, जो जमाया है इन्होंने, बहुत ही सुंदर जमाया है। इनकी भाषा बहुत ही व्यवस्थित और सुंदर है, और कहीं कहीं कविता आदि में इन्होंने रचना की है। मलुकदास जी औरंगजेब के समय में दिल के अंदर खोजने वाले निर्गुण मत के नामी संतों में हुए। इनकी गद्दियां कड़ा जयपुर गुजरात मुल्तान पटना नेपाल काबुल तक कायम हुई। तो उस समय जो रहस्यवादी कवि थे उसी की तरह ये रचनाएं भी करते थे। और मलुकदास जी किसके समकालीन थे, औरंगजेब के समकालीन थे। और इनकी जो गद्दियां हैं, जो मठ हैं, इनके नाम से जो मठ बनाए गए हैं, जो गद्दियां बनाई गई हैं, वे देश विदेश में स्थापित की गई थी। उस समय कड़ा में, जयपुर में, गुजरात में, मुल्तान में, पटना में, नेपाल काबुल में इनकी गद्दियां स्थापित की गई थी। अक्षर अनन्य नाम के एक और निर्गुण संत हुए हैं, और इनके छत्रसाल इनके शिष्य थे। छत्रसाल से राजा थे और छत्रसाल इनके शिष्य थे। ये विद्वान थे और वेदांत के अच्छे ज्ञाता थे। ये भी बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे, विद्वान व्यक्ति थे, और वेदांत का इन्हें बहुत अच्छा ज्ञान था। इन्होंने योग और वेदांत पर कई ग्रंथ लिखे हैं, जिनके नाम है राजयोग, विज्ञान योग, ध्यान योग, सिद्धांत बोध, विवेक दीपिका, ब्रह्म ज्ञान, अनन्य प्रकाश आदि ग्रंथ लिखे। और ये महत्वपूर्ण है,
दुर्गा सप्तशती का इन्होंने हिंदी पद्य में अनुवाद किया है। दुर्गा सप्तशती का हिंदी अनुवाद किसने किया है? अक्षर आनंद ने किया है। एक जगजीवन दास जी हुए थे, आखिरी हैं ये दादू दयाल जी की शिष्य परंपरा में आते थे। दादू दयाल जी की जो शिष्य परंपरा है उनमें इनका स्थान है जगजीवन दास, और इन्हें जगजीवन दास या फिर जगजीवन साहब कहा जाता है, ये दोनों ही एक है। तो जगजीवन दास या फिर जगजीवन साहब दोनों एक ही है। जो संवत 1818 के लगभग वर्तमान थे, तो इनका उस समय 1818 जो संवत था विक्रमी संवत, उस समय ये विद्यमान थे। ये चंदेल जाति के ठाकुर थे, जो ठाकुरों की एक अलग कैटेगरी है चंदेल करके, तो चंदेल उसमें आते थे, चंदेल ठाकुर थे। मतलब अलग अलग वैरायटी होती है ना प्रत्येक जाति में, तो चंदेल ठाकुर थे और कोटवा बारामाखी के निवासी थे। और जगजीवन दास ने अपना एक अलग सत्यनामी संप्रदाय चलाया, तो इन्होंने अपना एक अलग संप्रदाय चलाया जिसे कहा जाता है सत्यनामी संप्रदाय जगजीवन दास। इनकी वाणी में साधारण ज्ञान की चर्चा है, सामान्य से साधारण इन्होंने उपदेश दिया है, साधारण ज्ञान की चर्चा की है। इनके शिष्य हुए दुलम दास जिन्होंने एक शब्दावली लिखी, और उनके शिष्य हुए थे तोमर दास और पहलवान दास। तो कुछ छोटे छोटे और इनके शिष्य हुए थे। और प्रयाग में एक वेल वेडियर प्रेस ने इस प्रकार के बहुत से संतों की वाणियां प्रकाशित की है। प्रयाग में तो इलाहाबाद में एक बेलवेडियर प्रेस है, उन्होंने ये जो संतों की वाणियां हैं इनका संग्रह प्रकाशित किया है, इनकी और बहुत सारे संतों की। अब ये हमारे लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो आज अभी तक हम निर्गुण भक्ति धारा हम पढ़ चुके हैं, निर्गुण धारा। तो जो निर्गुण पंथ है उसमें अलग अलग जगह से तत्व लिए गए हैं। जैसे हमारे भारत का संविधान है, भारत के संविधान में विभिन्न देशों से विभिन्न तत्व लिए गए हैं जो महत्वपूर्ण थे, जो हमारे काम के थे और जो सर्वश्रेष्ठ थे। वैसे जो निर्गुण भक्ति धारा है, निर्गुण धारा या निर्गुण पंथ है, उसमें अलग अलग जगह से अलग अलग तत्व लिए गए हैं। तो यह परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। जैसे ज्ञान पक्ष कहाँ से लिया है? वेदांत से लिया है। ज्ञान की जो बातें हैं ज्ञान पक्ष लिया गया है वेदांत से। प्रेम तत्व सूफियों से लिया है ना, सूफियों से प्रेम तत्व लिया है। सूफियों का प्रेम कैसा प्रेम है? सूफियों में रहस्यवाद पाया जाता है, लेकिन वो ईश्वर को प्रियतम या प्रेमी मान के, और आत्मा को है ना, परमात्मा को ईश्वर या परमात्मा को क्या मानते हैं वे? प्रेमी या फिर पति मानते हैं। और आत्मा को क्या मानते हैं? नायिका मानते हैं या फिर पत्नी या प्रेमिका मानते हैं। और ये आत्मा है जो पत्नी या प्रेमिका है, वह अपने प्रेमी के प्रति प्रणय निवेदन करती है। तो इस प्रकार प्रेम तत्व तो सूफियों में पाया जाता है, उनमें रहस्यवाद पाया जाता है। तो ये कहाँ से लिया इन्होंने? निर्गुण पंथ ने वहां से लिया है, क्योंकि कबीर दास जी भी क्या मानते थे? ईश्वर को प्रेमी या पति मानते थे, वैसे ही। तो जब भी ऐसा होता है तो रहस्यवाद है ये। इसके बाद अहिंसा और प्रपत्ति, प्रपत्तिवाद देखना पड़ेगा, कोई दार्शनिक विचारधारा का शब्द है, वैष्णवों से आया हुआ है। वैष्णव मतलब जो विष्णु की उपासना करते हैं, इन्होंने वहां से लिया है अहिंसा और प्रपत्तिवाद। वैष्णव और शैव, शैव मतलब शंकर भगवान शिव की उपासना करते हैं, शैव कहलाते हैं। वैष्णव जो विष्णु की उपासना करते हैं वैष्णव कहलाते हैं। और सुरति निरति जैसे जो शब्द हैं ये बौद्ध सिद्धों से लिए हैं। ये सारे दार्शनिक विचारधाराएं हैं, वहां से आए हुए शब्द हैं। तो ये इन्होंने कहाँ से लिया है? सुरति और निरति इन्होंने लिया है बौद्ध सिद्धों से। तो इस प्रकार आज हमारा जो निर्गुण धारा है वह पूरी तरह से, मतलब निर्गुण धारा में जो हमारा ज्ञानाश्रय शाखा है संत काव्य धारा या कंप्लीट होता है। और आगे हम भविष्य में पढ़ेंगे प्रेमाश्रय शाखा, जिसके प्रतिनिधि कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी। और उसके बाद राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं तुलसीदास जी, और कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं सूरदास जी। आगे हम उन सब का अध्ययन करेंगे और यह श्रृंखला आगे भी जारी रहेगी। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मेरे प्रत्येक वीडियो के अपडेट्स आपको मिलते रहें। साथ ही मेरे वीडियो को, मेरे लेक्चर को शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर जरूर बताएं कि आज का मेरा यह लेक्चर आपको कैसा लगा। धन्यवाद।